दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंजिनुतम प्रत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाद्विपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। आशुतोष भगवान प्रभुपाद शिव की कृपा से आज मुझे ईशुपुर ग्राम सभा स्थित श्रीमान ब्रजभूषण दुबे उनके आवास पर उनके जन्म देने वाले पिता स्वर्गीय मार्कंडेय दुबे जी के श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। ऐसे इस मंच पर जो जिस मंच के माध्यम से बदलता हुआ भारत दिखाई दे रहा है, जहां पर थोड़ा मोड़ा परंपराओं में परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, मुंडे मते भेदना संसार में जितने सर हैं उतने विचार भी होते हैं। हमारे इस मंच पर सम्मानित अतिथि जी लोग बैठे हुए हैं। राय साहब अपना उद्बोधन संपन्न करके अपने अपने कर्तव्य को प्रस्ताव कर चुके हैं और तमाम सम्मानित वर्ग यहाँ उपस्थित है। काफी बड़ी तादाद में मीडिया के लोग भी हैं और वे सामाजिक लोग जो समाज के हित में तन मन धन अर्पण करने के दृष्टिकोण से संकल्पित होकर के आज यहाँ उपस्थित हुए। चूंकि यह श्रद्धांजलि समारोह है और इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं मेरा सम्मान करवाऊं, यह भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगेगा कि परंपरा से हटकर होगा। और दुबे जी, चूंकि आप पुष्प गुच्छ से मेरा सम्मान करने जा रहे थे, सम्मान इस वक्त स्वीकार करना यह बिल्कुल धर्म विरुद्ध होगा, मगर वैसे भी मीडिया के बहुत सारे लोग कैमरा मेरी तरफ किए हुए हैं और आप अगर मुझे पुष्पगुच्छ समर्पित करेंगे तो हो सकता है कि दुनिया के लोग जान जाएं कि इन्हीं के श्रद्धांजलि समारोह चल रहा है। इसलिए आप हमेशा से कुछ हटकर करते रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मैं भारतीय धर्म गुरुओं में जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, साधु समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मगर उससे ज्यादा मेरे हृदय में आपके लिए सदैव स्थान रहा है। हमारे रमेश जी ने और रमेश्वर जो है पत्रकार रमेश जी ने मुझसे बड़ी विनम्रता से कहा, दुबे जी के पिताजी का शरीर शांत हो गया, आज श्रद्धांजलि समारोह है। फिर सारी वस्तु स्थिति से अवगत हुआ। आप जानते हैं मैं वेद और शास्त्रों को पढ़ करके गीता और भागवत का अध्ययन करने के पश्चात बाबा जी बना हूं। बहुत विचार करना पड़ता है। मैंने 2-3 दिन बहुत मंथन किया। 26 वर्षों से मैं किसी की तैयारी में नहीं गया।
सन्यास धर्म रोकता है, मगर मुझे जब ये ज्ञात हुआ कि ये 13वीं का कार्यक्रम नहीं है, श्रद्धांजलि समारोह है, तब एक तो मुझे आपके इस उदार कृतित्व पर, आपका ऐसा भाव, लोक कल्याणकारी भाव आपने रखा है, उसका मैं हमेशा साथ जलाया जाता था। तब स्वेच्छा से यदि पत्नी पति के साथ चिता में जलना चाहती थी, उसे सती प्रथा का नाम दिया गया था, मगर ऐसा पढ़ने और लिखने को मिला है कि कभी कभी पत्नियों को जबरदस्ती पति के साथ जला दिया जाता था, वह भी हिंदू समाज की एक रीति रिवाज था और वह भी एक धर्म था। मगर उस वक्त राजा राममोहन राय विलियम पेंटिंग करके एक ऐसे समाज सुधारक ने जन्म लिया और उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। जब उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, तब दुनिया ने उनका खूब विरोध किया, क्योंकि वे धर्म विरुद्ध कर रहे थे, धर्म की अवहेलना कर रहे थे। मगर खुशकिस्मती से आज के भारत के संविधान को यदि देखा जाए, तो अगर घर में पति के मरने नहीं, अगर पति के जिंदा रहने पर भी अगर किसी पत्नी की साड़ी में यूं भी आग लग जाए, तो कम से कम पति नहीं, पति के पति, पति के पति यानी नाना और ससुर भसुर सबको कम से कम 6 महीने कारागार में बिताना पड़ता है। आखिरकार एक वो भी धर्म था और एक आज भी धर्म है। धर्म दो प्रकार के होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्यों ने कहा अगर परोपकार के लिए जीवन जीना है, मैं समझता हूँ यही धर्म है। और आपने तो, आपके पिताश्री ने जीवन पर्यंत भारत के नौनिहालों को शिक्षा और दीक्षा प्रदान करके हिंदुस्तान के निर्माण को, निर्माण हेतु एक दिशा और दशा तय करने में लगाया है। और इस वक्त जब हमने सुना, तो ये मैं हृदय से कह रहा हूं, मेरे मन में विरोध का भाव उत्पन्न हो गया था। हम दुबई से कहें, आप पार्थिव शरीर वापस लाइए और चलिए दाह संस्कार किया जाए। मगर जब मैंने थोड़ा और कुछ पीछे झांका इतिहास की तरफ, देखिए हमारे यहाँ शास्त्री ही प्रमाण होते हैं, इतिहास साक्षी होता है। बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक लोग हुए हैं जिन्होंने अपना शरीर दान दिया, और वृक्ष न कहो फल भके नदी संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। आपने देखा होगा जब मैं स्वर्गीय मार्कंडेय दुबे जी के छाया चित्र के सम्मुख श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, तो मैंने आपको नहीं देखा कि आप भी यहाँ खड़े हैं। मेरे साथ आए हुए 10 लोग, बाबू अजीत सिंह, बाबू अशोक सिंह, रमेश जी और कुछ उनके अनुज आए हुए हैं अजीत सिंह के। हमने उन लोगों को संकेत किया कि मैं बोलता हूँ, थोड़ा मेरे साथ आना दीजिए। मार्कंडे दुबे तो बोले थे अमर रहे अमर रहे। देखिए राय साहब बोल करके गए हैं और उन्होंने ये बात कही कि भगवान ने भवानी नंदन जी को प्रेरित किया, आप इस कार्यक्रम में भाग लेने जाइए। उनके मुंह से भगवान निकला, मुझे इसकी बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि जो कह रहे थे भगवान मैंने देखा नहीं, फिर भी उन्होंने अपने ही शब्द में कह दिया कि गुरु जी को भगवान ने प्रेरित किया, इसलिए वो यहाँ पर आए। हम लोग अपनी बात में अपने ही फंस जाते। भगवान एक ऐसी परम सत्ता है, जिसने भगवान को नहीं जाना, उसमें से कंस रहे, एक रावण रहे, दुर्योधन रहे, दुशासन रहे, तो भगवान को सामने मार के गिरा के बताना पड़ा, देखो मैं भगवान हूं। भगवान तो सामने आकर बताते हैं कि भगवान है। जिसने भगवान न देखा हो उसे अयोध्या जाना चाहिए और राम जी का इतिहास पढ़ना चाहिए, उनको भी लोगों ने भगवान कहा। मगर मैं आज
भगवान और हैवान के विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मैं आज मार्कंडेय दुग्ध जी की श्रद्धांजलि के मौके पर आया हूँ। ये विचार उनके सुपुत्र ब्रजभूषण दुबे जी का है। मैं कुछ भी कहूं कुछ भी करूं, मगर ये ध्रुव सत्य है, ये शरीर का एक एक रोम रोम अगर किसी के काम आता है तो मेरी भी नजर में आज मैं कहना चाहूंगा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। अस्तु मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ भगवान तो एक ही होता है, मगर देवता 33 करोड़ है, और मेरी भाषा में देवता हम उसे कहते हैं जो हमको कुछ देता है। देवता शब्द का अर्थ ही कुछ देना होता है। धरती देवता है, हमको अन्न देती है, पीपल देवता है, ऑक्सीजन देता है, गंगा जी देवता है, मेडिकेटेड वाटर देता है, गौ देवता है, हमको दूध देती है, गीता देवता है, ज्ञान देता है, गुरु देवता है, हमको ज्ञान देता है। धरती पर कोई ऐसा देवता नहीं है जो हमको कुछ देता नहीं। नेता लोग बैठे पुराने मानना, मुझसे लोगों ने कहा गुरुजी देवता होता क्या है, मैंने कहा बीच में से वो हटा दीजिए, देवता के बीच में से वो हटा दीजिए तो सीधे देता होता। अब देखिए वो इसलिए लगाया गया है कि पहले लेता है और बाद में देता है। पहले लेगा, धरती माता एक मुट्ठी अन्न लेती है, यानी एक मुट्ठी बेगा बीज लेती है और बाद में वापस करती है। पीपल पहले सीट पाल पोस के बड़ा होता है, बाद में ऑक्सीजन देता है। गंगा जी को साफ सुथरा रखोगे तो मेडिकेटेड वाटर बना रहेगा, तो वो हमको पवित्रता देगी। मैं संक्षिप्त शब्दों में ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं बाबू हमारे साथ आए अजीत सिंह, उनके गांव पर रामहित के कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। इस घटनाक्रम को सुनने के बाद और श्रद्धांजलि समारोह की तिथि सुनिश्चित होने के कारण मैं इस कार्यक्रम में लंबा समय नहीं दे सका, मगर अपनी हाजिरी लगाकर मैं सचमुच में गौरव अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रजभूषण दुबे ने हमारे पिछले जीवन में मैंने व्याख्या की ना, पीपल को पहले पानी चाहिए बाद में ऑक्सीजन देगा, धरती को पहले अन्न चाहिए तब आपको अन्न प्रदान करेगी। ब्रजभूषण दुबे ने पहले मेरे साथ बहुत उपकार किया हुआ है, इतना उपकार किया हुआ है कि मैं पीपल की तरह आज बड़ा हो गया हूँ। तो मैंने सोचा कि श्रद्धांजलि समारोह में चल करके ब्रजभूषण दुबे और उनके साथियों को ऑक्सीजन देने का काम करता हूँ, ताकि मैं भी देवता की भूमिका में आ सकूं। क्यों दुनिया यही देवता कहती रहेगी, अगर कुछ दूंगा लूंगा नहीं तो फिर बेकार का देवता हो जाऊंगा, मगर आज ब्रजभूषण दुबे के जीवन में दो दुविधा, एक तरफा पिता को जाने का शोक है और दूसरी तरफा उनको लोक हित में समर्पित करने की प्रसन्नता भी है। तो मैं प्रसन्नता में भी आपके साथ शामिल होने आया हूँ, और शोक इसलिए नहीं करना कि आत्मा अजर और अमर है, शरीर तो यूं भी मिट्टी है, अगर आप उसे गाड़ेंगे जलाएंगे तो भी मिट्टी होगा और फेंक देंगे तो भी मिट्टी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है आज कि आपने अपने पिता के पार्थिव शरीर को मिट्टी होने से भी बचा दिया। रहा जहां तक सवाल इस बात का, ब्रजभूषण दुबे जी ने मेरे विगत 20 वर्षों में मेरे साथ तन मन धन से बहुत बड़ा योगदान किया है। राम जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा तुमने मेरी सीता को खोजकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, अब मैं प्रति उपकार करूं का तो